डियर फ्रेंड्स, मिस्टर स्टेनोग्राफर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से दिया जा रहा है, जो कि ओपी शुक्ला जी की बुक से है, जिसका समय 10 मिनट होगा। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। अध्यक्ष महोदय, सरकार देश में खेती का विकास, कृषि का विकास करने के लिए काफी कोशिश कर रही है। अब हमें देखना है कि सचमुच में पैदावार कितनी बढ़ रही है और खेती के नए तरीकों का किस प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है। मेरा सुझाव है कि सरकार इस चीज की जांच के लिए एक कमीशन नियुक्त करे। वह कमीशन किसानों की हालत को देखे और यह भी देखे कि खेती पर कितना खर्च होता है और खर्च को निकाल कर किसानों की बचत क्या है, तभी कोई एक सही निश्चय पर हम आ सकते हैं। पैराग्राफ। इसके बाद एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ गन्ने की समस्या बहुत कठिन है। गन्ने के दाम ठीक तरह से नहीं मिलते हैं। सरकार के हिसाब से तो दाम ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसान का खर्च इतना बढ़ गया है कि इसका खर्च निकालना मुश्किल हो रहा है। यही नहीं, गन्ने का दाम भी जितना होगा होना चाहिए वह नहीं मिल रहा है, इसलिए इसके ऊपर फिर विचार करना पड़ेगा, क्योंकि किसान की हालत अच्छी नहीं है। हमारे यहाँ पिछली बार गन्ने का दाम अच्छा मिला तो लोगों ने काफी गन्ने की खेती की, लेकिन इस साल आज अप्रैल का महीना चल रहा है और मेरे क्षेत्र का केवल 20% गन्ना अभी तक मिल में भेजा जा सका है। हम कहते थे कि गन्ने की पैदावार काफी मिल वाले कहते हैं कि काफी नहीं है। मैं समझ सकता हूं कि यह बात कहां तक ठीक है। पैराग्राफ। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, सरकार खेती के ऊपर से जनता का विश्वास कम होता जा रहा है। सरकारी खेती से कोई लाभ नहीं दिखाई पड़ता है। किसान समझता है कि सरकार यह खेती केवल अफसरों के भाई और दोस्तों को नौकरी देने के लिए चला रही है। यह सचमुच में ठीक मालूम पड़ता है। सरकारी खेती में किस प्रकार से काम हो रहा है उसका मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे जिले में एक बड़ा फार्म चल रहा है, उसमें सरकार की काफी पूंजी लगी है। मैं देखता हूँ कि उसमें कभी भी इतनी पैदावार नहीं हुई कि उससे वहाँ के कर्मचारियों का वेतन का खर्च भी निकल सके। श्रीमान ऐसी खेती से
क्या लाभ, क्या यह किसान के लिए अच्छी खेती का उदाहरण हो सकता है? पैराग्राफ, सबसे ज्यादा जरूरी विषय पिछड़े वर्ग के लिए शिक्षा की व्यवस्था करने का है। उच्च स्तर पर इसके बारे में जब तक कार्यवाही नहीं की जाती, तब तक उन लोगों में शिक्षा का विकास नहीं हो सकता। शिक्षा के क्षेत्र में अगर उनका विकास करना है तो उनके लिए छात्रावास की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। उनको मुफ्त किताबें, भोजन और कपड़ा दिया जाना चाहिए, तभी वे लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए भेज सकेंगे और उनके स्तर में सुधार हो सकेगा। पिछड़े क्षेत्रों में, खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में, पहले तो स्कूल ही नहीं होते हैं, उसके बाद शिक्षा भी वहां जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। जिन शिक्षकों को वहां भेजा जाता है, वे एक प्रकार से इसको सजा मानकर वहां जाते हैं और अपने कर्तव्य के पालन में विशेष ध्यान नहीं देते। राज्य के अधिकारी भी इस ओर कोई रुचि नहीं लेते, कभी भी वहां दौरे के लिए नहीं जाते। नतीजा यह होता है कि महीने में 20 दिन वे स्कूल बंद रहते हैं। इसलिए शिक्षकों में इन स्कूलों में दिलचस्पी बनाए रखने के लिए सरकार की ओर से कुछ विशेष भत्ता दिया जाना चाहिए, जिससे वे इस काम को सजा मानकर नहीं बल्कि सेवा भाव से करें। आज भी गांव में लोग अपने बच्चों को आय का साधन मानते हैं। उनके द्वारा पशुओं के चराने का काम लिया जाता है, मजदूरी कराई जाती है, खानों में काम लिया जाता है। इस प्रकार की गलत प्रवृत्ति को रोकने के लिए सरकार को प्रचार करना चाहिए, ताकि वे लोग अपने बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेज सकें। पैराग्राफ, राज्य में जो स्कूल हैं उनका स्तर आजकल बहुत गिरा हुआ है। वहां पढ़ाई की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जाता है। कई जगहों पर आपने केंद्रीय स्कूल खोले हैं। मैं चाहता हूं कि प्रत्येक जिले में कम से कम एक केंद्रीय स्कूल हो, जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा चलाया जाए, ताकि उस क्षेत्र के दूसरे स्कूल उस स्कूल से लाभ उठा सकें और वहां पर बच्चों की पढ़ाई का स्तर ऊंचा हो सके। पैराग्राफ, दोपहर के भोजन के संबंध में पिछले बजट के समय सरकार की ओर से घोषणा की गई थी। मैं नहीं जानता कि उस योजना को कहां तक कार्यान्वित किया गया है। जहां जहां इस समय भोजन दिया लाभ उठाया जा रहा है,
उस भोजन में पौष्टिक पदार्थ नाम की कोई चीज नहीं है। फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। साथ ही हमारे चैनल मिस्टर स्टेनोग्राफर को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकन को, ताकि इस चैनल पर आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।